हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में, जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। दोस्तों, इस समय मौसम चेंज हो रही है, और जब मौसम चेंज होता है, चाहे सर्दी से गर्मी हो या चाहे गर्मी से सर्दी हो, और ऐसे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है लोगों में, सर्दी जुखाम बुखार, खांसी और शरीर में हरारत की समस्या देखने को मिलती है, और ये सभी लक्षण दिखाई देती है। यानी कि आपको पता होगा कि जब मौसम बदलता है तो सर्दी जुखाम की समस्या देखने को मिलती है। जल्दी से सर्दी जुखाम की दवा कोई नहीं लेता है। सर्दी जुखाम की दवा तब कोई लेता है जब उसे सर्दी जुखाम के साथ साथ फीवर और बॉडी में पेन होने लगता है और काम करने में मन नहीं लगता, तब उसे दवा लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे रोगों से निजात पाने के लिए आपको इस दवा के विषय में बताया जा रहा है, जिस दवा का आप प्रयोग करके इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं सीनारेस टैबलेट, निसीप 100 mg टैबलेट और जीफी 200 mg टैबलेट और जाइनल 150 mg। तो ये सभी दवाओं का प्रयोग करके आप सर्दी जुखाम बुखार से निजात पा सकते हैं। तो ये सीनारेस टैबलेट, जो कि आप देख सकते हैं किन किन दवाओं से मिलकर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं पैरासीटामॉल और फेनाइलफेराइन और हाइड्रोक्लोराइड प्लस क्लोरोफेनरामीन मेल्टेड, जो कि सेंचर कंपनी द्वारा बनाया गया पेटेंट कंपनी की मेडिसिन है। और ये देख सकते हैं आप निसीप टैबलेट, जिसकी निमोसिलाइड 100 mg कंपोजिशन है और ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया गया जेनरिक मेडिसिन है। और ये जीफी 200 mg, जो कि सिफेक्जिन 200 mg, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और ये जाइनल 150, जो कि गैस के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका कंपोजिशन आप देख सकते हैं रेनिटिडिन 150 mg, जो कि माइक्रोलैब्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक जेनरिक मेडिसिन है। तो आइए बात करते हैं यह सीनारेस टैबलेट, जो कम्बिनेशन वाली एक दवा है, जो प्रभावी रूप से जुखाम के लक्षणों जैसे कि बंद नाक, नाक बहना, आंखों से पानी निकलना, छींके आना और जकड़न या कंजेशन से राहत दिलाती है। यह गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। इससे हवा, जो मतलब आप सांस जो लेते हैं, वह सांस अंदर लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है तथा आपको तेज राहत प्रदान करता है, जो घंटों तक चलती रहती है। सीनारेस न्यू टैबलेट आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर ही काम शुरू कर देती है। सीनारेस टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं अब। तो इसके सामान्य साइड इफेक्ट जैसे मिचली आना, सिर दर्द होना, अनिद्रा, ऐसे सामान्य इसके साइड इफेक्ट हैं। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले। अब बात कर लेते हैं सीनारेस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो इस दवा की खुराक और अनुपात की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से एक बार सलाह अवश्य लें। इसे साबुत निगलने, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़े नहीं। सीनारेस न्यू टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। सीनारेस टैबलेट, आइए अब बात कर लेते हैं कैसे काम करता है। तो सीनारेस न्यू टैबलेट, इसमें जो तीन दवाएं मिली हुई हैं, पैरासीटामॉल, फेनाइलफेराइन और जो कि आप यहां पर देख सकते हैं क्लोरोफेनरामाइन, जो जुकाम के लक्षणों से छुटकारा दिलाता है। एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आग से पानी गिरना एवं छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। यह मस्तिष्क में उन केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकती है, जिनकी वजह से दर्द या बुखार होता है। नेजल डीकंजेस्टेड है, जो नाक की छोटी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ कर बंद नाक की समस्या से भी राहत दिलाती है। तो ये सीनारेस टैबलेट के बहुत ही अच्छे फायदे हैं। अब इनके साथ आप अगर निसीप टैबलेट चलाते हैं और जीफी 200 और जाइना 150 mg टैबलेट चलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये कंपोजिशन मिल के आपको मिलता है, जो कि एक जीफी 200 mg, ये एक सिफेक्जिम, जो एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, जो कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको वहीं पे रोक देती है।
और ये पेन किलर नीमोसिलाइड जो कि आपके बॉडी में पेन होता है उसको राहत दिलाता है, और ये जाइनल 150 इन दवाओं से गैस न बनने पाए आपको, इसलिए यह टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी दवाओं का प्रयोग आप एडल्ट डोज में ही दे सकते हैं। इन चारों टैबलेट को एक साथ एक गोली, एक एक गोली चारों में से सुबह और शाम खाने के बाद या खाने से पहले भी लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको खाने के बाद ही लेना चाहिए। तो ये थी सर्दी जुखाम बुखार से जुड़ी कुछ निजात पाने के लिए वीडियो, जो कि आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।